आज के व्लॉग में तुम लोग देखोगे मायापुर, लेकिन उससे पहले हम आते हैं इस मंदिर में क्योंकि ये थोड़ी देर में बंद होने वाला था। इसके बाद की हमें जाना था अपने ड्राइवर की बताई हुई जगह पर, जहाँ पर कि उन्होंने बोला था कि हमें हिरन देखने को मिलेंगे जो कि हमें दिखे भी, लेकिन हमें क्या पता था कि हमें इनको छूने भी दिया जाएगा। और भैया मैं बता रहा हूँ, मैंने पहली बार इसको टच किया, काफी ज्यादा सॉफ्ट थे इसके सींग, बहुत मजा लग रहा था। जिसके बाद की मैं और अमीरी दोनों मिलकर इन सभी को खाना खिलाने लगते है जो की बाहर ही मिल रहा था, और ये खाना हमने पैसों से खरीदा था क्योंकि यहाँ पर फ्री में तो कुछ नहीं मिलता। भाई देखो, इनको देख के बुरा भी लग रहा था यार कि इनको पिंजड़े में बंद करके रख दिया। जिसके बाद की हम 20 रुपए दे के राधा रानी म्यूजियम में घुसते हैं, जहाँ पर की वासुदेव कृष्ण ने जितने भी लीला की थी सारी की सारी दिखाई गई थी। और मेरा पर्सनली ये फेवरेट था क्योंकि यहाँ पर सभी को दिखाया गया था कि वो सभी भगवान के रूप है। जिसके बाद की हम भाग कर जाते हैं बोट पकड़ने को, क्योंकि अगर ये निकल जाते तो फिर बेकार में आधा घंटा इंतजार करना पड़ जाता। और इस बोट पर तो सभी चीजें चढ़ा दी गई है, बाइक साइकिल आदमी सब। देखो कितनी ज्यादा भीड़ है, मेरे को ऊपर करके वीडियो लेना पड़ रहा है। जिसके बाद की हमारे मन में क्या चुलमचते, हम सोचते कि बोट के मुंह के पास जाके खड़ा रहा जाए, बिल्कुल वो टाइटैनिक वाला पोज नहीं था वो किया जाए। लेकिन इस बोट पर इतना सामान रख दिया गया था ना कि बोट पलट जाए, लेकिन फिर भी हम जिद्दी किसी तरह से आगे पहुंच ही जाते हैं। और इन चच्चा को देखो कितने ज्यादा टेंशन में लग रहे हैं। वो देखो मायापुर का इस्कॉन टेम्पल नजर आया, चलो लो हम पहुंच गए मायापुर के इस्कॉन टेम्पल, जो की मैं 4 शॉट से तुमको दिखवा ही रहा हूँ। अभी भी ये इस्कॉन टेम्पल बन ही रहा था लेकिन चमक बहुत तेजी से रहा था। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देख सकते हो यहाँ पर खुद भी। लेकिन उसके बाद हमें अचानक से नजर आता है कि यहाँ पर यहाँ के गार्ड सारे हाथी लेके घूमते हैं। इन दोनों अंकल की हरकतें जरा देखो, ये बोलते कि मैं अपने फोन से फोटो खींचूंगा, लेकिन इतने में ये अंकल बोलते कि नहीं मैं अपने फोन से फोटो खींचूंगा। वैसे उन भैया के पास आईफोन था, लेकिन आईफोन लेके भी क्या फायदा जब इतनी बड़ी बेइज्जती हो जाए। तो खैर इन सभी को इग्नोर करके हम पढ़ते हैं पेट पूजा करने के लिए, जो की यही पर टिकट मिल जाती है 60 रुपए की, जो की टिकट खरीद के हमें गीता भवन आना होता। और मेरे चेहरे में इस तरह अजीब मुस्कान इसलिए क्योंकि लाइन भैया बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। लेकिन थोड़ी देर में हम अंदर पहुंच जाते हैं। लाइन तो सिर्फ दिखाने के लिए था, लाइन देख के तुम्हें तो पता चल गया होगा कि मैं अकेले नहीं आया हूँ खाने, बहुत से लोग आए हैं खाने। तभी हमें ये दोनों बच्चे नजर आते हैं जो कि बहुत मस्ती से खेल रहे थे। भाई अच्छी लग रही थी ये बहुत देखने में, कितनी प्यारी लग रही है ये, वाह दिन बन गया मेरा। उतने में ही ये आके भगवत गीता का प्रचार करने लगते हैं, जिसके बाद की हम अंदर जाते हैं टिकट देते हैं ताकि खाना मिल सके। और बहुत से लोग तो खा भी रहते हैं जैसे कि तुम देख सकते हो। चलो अब मैं खाना खाने को बैठता हूँ, तुम लोग सब्सक्राइब कर लो, दिखा तो दिया मायापुर पूरा और क्या चाहिए, अब कर लो सब्सक्राइब। चलो बाय।